गुड मॉर्निंग एवरी वन तो आज हम बात करेंगे वॉट इज़ वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन क्या है आप सभी को पता है कि हम मनुष्यों के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं सबसे पहली वाटर पॉल्यूशन और दूसरी एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन की बात हम बाद में करेंगे आज का जो लेक्चर है वो वाटर पॉल्यूशन का है तो सबसे पहले हम डिटेल में जानेंगे कि वाटर पॉल्यूशन है क्या पहले हम डेफिनेशन समझते हैं वाटर पोल्यूशन अकर्स वन हार्मफुल सबस्टांसिस जो कुछ जहरीले पदार्थ होते हैं हानिकारक पदार्थ जो होते हैं जो वाटर बॉडीज़ में मिल जाते हैं तो वो पानी को पूरी तरह से कंटेमिनेट कर देते हैं ऑफ्टन केमिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेमिनेटेड ए स्ट्रीम स्ट्रीम को गंदा कर देंगे रिवर को गंदा कर देंगे लेक को ओशन को एक्वाफायर को और दूसरी जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं पानी की क्वालिटी को गिरा देती है जो कि इंसान के लिए वो पानी जो होता है वो पीने लायक -like नहीं रहता है उसको जहरीला बना देता है एंड रेंडरिंग इट

जितने भी पदार्थ हैं वो बहुत जल्दी से घुल मिल जाते हैं पानी के साथ एज़ कम्पेयर टू द अदर लिक्विड ऑन अर्थ बाकी दूसरा जो भी लिक्विड है पृथ्वी पर उसके कंपैरिजन में वाटर में ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं वो घुल मिल जाते हैं ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं सम ऑफ द काजिज़ फॉर वाटर पोल्यूशन आर द सीवेज वाटर सीवेज वाटर जो होता है उसकी वजह से हमारी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो गंदी हो जाती हैं इंडस्ट्रीज से जो हमें वेस्ट मिलता है उससे हमारी वाटर बॉडीज़ गंदी होती हैं एग्रीकल्चर सोर्स में हाँ, आपको पता है हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइडस का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से हमारा पानी गंदा हो जाता है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यानी कि एग्रीकल्चर सोर्सेज से जब ये चीज़ें पानी में मिल जाती हैं तो इसमें एल्गी ब्लूम हो जाता है यानी कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है वाटर बॉडीज़ में और वाटर बॉडीज़ में जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो वो मेरीन लाइफ के लिए यानी कि फ़िश के लिए या दूसरी जितनी भी एकटिक लाइफ होती है उसके लिए अच्छा नहीं होता उसके बाद आपका आता है थर्मल एंड रेडिएशन पोल्यूशन फिर मेरीन पोल्यूशन इन्वेसिव स्पीशीज़ आ जाती हैं अंडरग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट हो जाता है अब हम बात करते हैं कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है इसके क्या कारण हैं देखिए दो कारण हैं दो तरह के पोल्यूशन होते हैं वाटर बॉडीज़ के लिए पहला होता है पॉइंट सोर्स पोल्यूशन दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन पहले हम पॉइंट सोर्स पोल्यूशन की बात करते हैं कुछ नहीं है पॉइंट सोर्स पोल्यूशन का मतलब है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन से जान लीजिए कि मैंने एक इंडस्ट्री लगाई है अब वो उस इंडस्ट्री की जो पाइप है वो सीधा रिवर में जाके मिल जाती है तो जो इंडस्ट्री होगी वो हो जाएगा पॉइंट सोर्स तो वो पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है जिसकी वजह से वाटर बॉडीज गंदी हो रही हैं डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए लिखने के आपके काम आएगा वन पॉल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज फ्रॉम ए स्पेसिफिक लोकेशन सर्च ऐसे ड्रेन पाइप कैरिंग इंडस्ट्रियल एफेंट्स डिस्चार्ज डायरेक्टली इंटू ए वाटर बॉडी इट रिप्रजेंट ए पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन अब हम बात करते हैं नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन यानी कि हमें मल्टीपल सोर्सेस मिल जाते हैं पॉल्यूशन के वाटर बॉडीज़ को गंदा करने के लिए इसका कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता है जैसे आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर है अब एग्रीकल्चर तो कितना बड़ा है कितना बड़ा क्षेत्र होता है तो वो पॉल्यूशन कहीं से भी आ सकता है उस पॉल्यूशन को हम बोल देते हैं नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन इट इंक्लूड्स डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्राम डिफ्यूज सोसिस और फ्राम ए लार्जर एरिया सच एस रन ऑफ फ्राम एग्रीकल्चर फील्ड्स ग्रेजिंग लैंड्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स एबर्डन माइन्स एंड पिट्स तो यहाँ से जो भी पोल्यूशन निकलता है उसे हम बोल देते हैं नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन अब हम कॉजेज़ की बात करते हैं मैंने आपको वीडियो को लेक्चर में ही बताया था कि डिटर्जेंट जो है वो एक मेन कॉज है जिसकी वजह से वाटर में पोल्यूशन हो रहा है आपको पता है डिटर्जेंट क्या है बेसिकली एक सरफेक्टेंट्स है या फिर मिक्सचर ऑफ ए सरफेक्टेंट्स मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें तो जब ये वाटर बॉडी में चला जाता है डिटर्जेंट तो हमारा जो सरफेस टेंशन होता है वाटर का वाटर का सरफेस टेंशन बहुत कम हो जाता है यानी कि वाटर वाटर में आपको पता है मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाइंड टूगेदर होते हैं एक साथ होते हैं तो जब ये सरफेस टेंशन कम होगा तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड नहीं रहेंगे वो मॉलिक्यूल्स भी धीरे धीरे सेपरेट होते जाएंगे तो जो कि अच्छा नहीं है एक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं है मैरीन लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है डेफिनेशन पढ़ते हैं आपको पता है मैनी लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स कंटेन अप्रोक्सीमेटली थर्टी फाइव टू सेवेंटी फाइव परसेंट फॉस्फेट साल्स आपको पता है जब मैरीन मैरीन यानी कि वाटर बॉडीज में जाएगा तो उसकी क्या स्थिति हो जाएगी वाटर बॉडी की फॉस्फेट्स कैन कोज ए वराइटी ऑफ ए वाटर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट्स टेंड्स टू इनहिप्ट बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टांसिस पहले आप समझिए कि बायोडिग्रेडेशन क्या होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटांसिस होते हैं पदार्थ होते हैं जिनको हमें स्मॉलर कंपाउंड्स में बांटना होता है तो वो काम कौन करते हैं वो काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो माइक्रो ऑर्गनिज्म बायोडिग्रेडेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को कम कर देता है फोस्फेट उसके बाद आपका आता है नोनाइलफिन ए हजार्डस केमिकल प्रेजेंट इन द डिटर्जेंट डिटर्जेंट में हमें मिलता है नोनाइलफिन इज नॉन टू एंटर वाटर बॉडीज जैसे ही पानी में जाता है फूड चेन में जाता है तो बायो एक्यूमुलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है यानी कि जहरीला हो जाता है फिर वो फिशिज़ में किसी में भी वो बायो हमें देखने को मिलेगा जैसे जैसे से उस फिश की एज बढ़ती जाएगी कैन पोज ए सीरियस एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिस्क हमें देखने को मिल जाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं यूट्रोफिकेशन की आपको पता है फोर्सफेट वो भी रेस्पॉन्सिबल है यूट्रोफिकेशन के लिए याद रखिएगा वेन ए वाटर बॉडी बिकम्स ऑवली एनरिच्ड विद मिनरल्स एंड न्यूट्रेंट्स जब वाटर बॉडी का लेवल उसमें जब, जब ज्यादा मिनरल्स हो जाएंगे जैसे एग्रीकल्चर से ज़्यादा हमें न्यूट्रेंट्स मिनरल्स मिलते हैं एज ए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के रूप में जैसे सॉप जैसे आपका फोस्फेट मिक्स हो जाता है वाटर बॉडी में तो उससे क्या होता है कि एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है एल्गी की इससे क्या होता है जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल है वाटर बॉडीज का वो बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से फिश जो जितनी भी मैरीन लाइफ होती है उनको नुकसान होता है वो मर जाती हैं कुछ तो फिशिज़ मर भी जाती है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है सो इट द वाटर ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म तो यूट्रोफिकेशन ज्यादा हो जाता है जब हम ज्यादा से ज्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं तो यही था तो वाटर पोल्यूशन। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में भी हम बात करेंगे